ओके सो सभी टेंथ का स्टूडेंट्स के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हो. सो इसमें हम आज के लेक्चर में सारी थ्योरी को कर देंगे कंप्लीट, एंड उसके बाद आपको जैसे असाइनमेंट मिलती है उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उसे आपको सॉल्व करना होगा. तो हम थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, और अगर हो सका तो न्यूमेरिकल्स की भी जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी. तो इसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जब भी स्टार्ट करनी है आपको चार्ज के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए. तो यार चार्ज क्या होता है वो हम देखते हैं ज़रा. आपको जो बेसिकली पता है, ठीक है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है कि चार्ज दो टाइप्स का होता है, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी सुने होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स, जैसे अगर आप मतलब आप पेन को, ठीक है, पेंसिल को अपने हेयर के साथ रब करोगे एंड ठीक है उसको फिर कुछ पार्टिकल्स के पास लेकर जाओगे, पेपर पार्टिकल्स के पास लेकर जाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स आपने सुने होंगे या किए भी होंगे. ठीक है, ऐसे ग्लास रॉड और सिल्क वाला एक्सपेरिमेंट है, तो ये सब मतलब चार्ज के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं. ठीक है, अब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है, जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, सेम वही चीज़ यहाँ फिज़िक्स में है कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की बात करें तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा गेन करता है. किसको गेन करता है? इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो ये चीज़ भी अब आपको बेसिकली पता है कि बॉडीज विद लाइक और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड जिनके अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, एंड उसके बाद बेसिकली ये सब आपकी थ्योरी है वो सिल्क रॉड वाले एक्सपेरिमेंट की. ठीक है, उसके बाद मेन बात आती है, दैट इज़ कूलम्स लॉ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. तो मेरे को पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, इसका फॉर्मूला अगर लिखा होता तो आप डायरेक्टली समझ सकते थे. तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, अब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन तो होगा ही, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. अब टू चार्जेस हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनका मैग्नीट्यूड ना हो. उनका जो मैग्नीट्यूड होगा अगर हम उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब चार्जेस ऐसे तो नहीं साथ साथ जुड़े हों, अगर जुड़े हों तब भी उनमें कुछ डिस्टेंस होगा ना, तो वो जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यानी अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज की अट्रैक्शन कम होगी या रिपल्शन कम होगी, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये आपको कूलम्स लॉ का मतलब आई होप अब समझ आ गया होगा. ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीज़ें. अब आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो आई होप उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी. ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रा अगर हम बात कर लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, ये एक वर्क डन की तरह होता है, ये एक वर्क की तरह होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से या फिर किसी एक पॉइंट से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा वर्क डन है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से या किसी पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है दैट इज़ वोल्ट, एंड उसको आप डिफाइन भी कर सकते हो, दैट इज़ इफ़ 1 joule ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, सो दैट यूनिट इज़ नोन एज 1 volt. ठीक है, तो ये सब आपका पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इंस्ट्रूमेंट का नेम है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको सर्किट, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, आपको सर्किट का मतलब पता है। ठीक है, सर्किट वही एक कॉन्टीन्यूस पाथ जिसमें करंट दौड़ता है। ठीक है, रेजिस्टेंसेस होते हैं जिनके बारे में अभी आप पढ़ोगे। एक चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो दैट इज़ अ सर्किट। और सर्किट डायग्राम आप बनाते भी आ रहे हो, जिसमें आप बल्ब लगाते हो, है ना, आप स्विच ऑन करते हो, स्विच लगाते हो, तो वो सब चीज़ें जिसमें आ जाती हैं वो एक सर्किट डायग्राम होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है सर्किट डायग्राम का। अब इसमें आपको न्यू चीज़ें भी पढ़नी है, जैसे रेजिस्टर, वोल्टमीटर, एमीटर। वोल्टमीटर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, और एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली इसी पर सारा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी करंट फ्लो करता है ना एक कंडक्टर में, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर में, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंडक्टर, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ दैट कंडक्टर, एंड द कंडीशन इज दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आप डायग्राम भी देख सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब इसका फॉर्मूला है, दैट इज़ वी इक्वल्स आई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगेन मैं बता रही हूँ, रेजिस्टेंस अब हम पढ़ने लगे हैं, तो रेजिस्टेंस के बारे में अब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार देखो, रेजिस्टेंस को ना आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो, बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस का मतलब ही रेजिस्ट करना है, अपोज करना है। किसको अपोज करेगा? यार देखो, सर्किट में तो करंट ही फ्लो कर रहा है ना, तो वो करंट को करेगा अपोज। तो यही डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, यही मतलब है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यार अब जो अगला पार्ट हम करने वाले हैं ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे? क्योंकि अब हम फैक्टर्स करने वाले हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज़ नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, वो तो अगर आपने याद रख लिया वी इक्वल्स आई आर, तो वहीं से आप डिराइव कर सकते हो। अच्छा, ओके, नेक्स्ट अब हम कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये कंडक्टेंस है इसके बारे में देख लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज़ ओम। ठीक है, एंड इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा का आप सिंबल देख सकते हो। अब कंडक्टेंस जो है, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ आई? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब जैसे आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस का मामला वी आई पढ़ा था, कंडक्टेंस का फॉर्मूला उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सो कंडक्टेंस का टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, यानी सीबीएसई में नहीं है, ये आपको एनटीएससी के लिए ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कंडक्टेंस वर्ड लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। अब मैंने आपको बताया ओम इसकी एसआई यूनिट है, तो हम ओम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो बेसिकली जो हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, ये वही चीज़ है, बस उसको यूनिट के साथ में हमने लिख दिया, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर में तो वैसे सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना, दैट इज़ स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। ठीक है, अब हम जब आईवी ग्राफ यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाते हैं, तो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब जैसे हाँ देखो, अब हमने यार आई वी का नहीं, सपोज हमने वी आई ग्राफ बनाया था, तो उसका जो स्ट्रेट लाइन पास करेगी वो हमें, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, वी आई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर हम आई वी ग्राफ करते हैं, आई वी ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, तो दैट गिव्स अस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो वी आई ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देती है, एंड आई वी ग्राफ हमें कंडक्टेंस देती है। आपको एनसीईआरटी में बताया नहीं जाएगा, बट स्लोप्स मेंशन की होंगी, ये नहीं बताया जाएगा कि आपको आई वी ग्राफ कंडक्टेंस देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके,
उसके बाद कंडक्टर आपको पता है, इंसुलेटर पता है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लो यार, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में इजीली हेल्प करता है, एंड इंसुलेटर जो इतना हेल्प नहीं करता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, यार ये जो टॉपिक है ना, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस में लगे हुए हैं R1, R2, R3, ठीक है। तो अगर आप इनका सम कर दोगे तो दैट वुड गिव यू इन सीरीज, एंड अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेकर प्लस करोगे तो दैट वुड गिव यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत भरपूर करने पड़ेंगे आपको इस पर ग्रिप लाने के लिए, और पूछे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगी, तो बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद यार बात आती है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। यार रेजिस्टिविटी में आप डायरेक्टली जो मैं आपको पहले बताई थी ना रेजिस्टेंस के फैक्टर्स, ये रेजिस्टिविटी में हम वही चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वो आप देख लो। जो कंडक्टर की लेंथ होगी ना, जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। बट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, वो जितना ज़्यादा कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। R=ρLA, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, ρLA, L/A, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके इस चैप्टर में, ओके। सो इसमें एक और टॉपिक भी आता है, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक मैं ट्राई करूँगी जब आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर होगा, उसके साथ कवर हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की बात करी है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मास्टर किया है, अभी हमने उनका मतलब समझ लिया, डेफिनेशंस देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें असाइनमेंट मिलेगा, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। और NCERT बुक में जो एग्जांपल्स हैं, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वो भी सफिशियंट है, ओके। सो या जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आप कर लोगे, जो थोड़े टफ वाले होंगे वो मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी, तो आपकी दोनों तरह से एक तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर हो सका तो मैं भी वीडियो ला दूंगी न्यूमेरिकल्स की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मिलके, ठीक है। दैट्स नॉट अ प्रॉमिस, बट अगर हो सका, मुझे टाइम मिला वो चीज़ फिल्म करने के लिए, तो मैं आपके लिए ले आऊँगी ज़रूर। तो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, इफ यू डिड देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।